Hi friends, I am come back once again. Today I will discuss a new topic. That topic is Shirshasana arthat headstand. आज हम बात करेंगे दोस्तों हेड स्टैंड अर्थात शीर्षासन के बारे में। शीर्षासन एक बहुत ही डिफिकल्ट एक्सरसाइज में से आता है क्योंकि उसमें हमें हेड के ऊपर स्टैंड करना पड़ता है, इसलिए यह डिफिकल्ट एक्सरसाइज में से आता है। लेकिन आप डोंट वेरी, आज हम आपको बताएंगे इजी और बहुत ही सरल तरीका से कि आप हेड स्टैंड कैसे कर सकते हैं, वो बिना किसी सहारे के। आप हमारे चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। चलते हैं, करने से पहले कुछ वार्म करते हैं। पहले चाइल्ड पोज लाइक दिस, पहले हम ऐसे सीटिंग करेंगे कुछ देर होल्ड करके, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हमारे सर की ओर प्रॉपर हो जाए अच्छे से और तुम्हें कोई नुकसान ना हो। देन नेक्स्ट लाइक दिस, इसे भी हम कुछ देर होल्ड करेंगे, देन परफॉर्म करेंगे हम। चलते हैं, परफॉर्म करते हैं हेड स्टैंड अर्थात शीर्षासन। पहले दोनों हाथों को इंटरवल करके लाइक दिस और डी शेप में रखेंगे, फिर हेड को वहाँ रखेंगे, फिर धीरे धीरे दोनों पैर को लिफ्ट करते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे और नी से बेंड करते हुए वाल के सपोर्ट में हम स्टैंड हो जाएंगे। मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में दे रखा है जूम करके, आप वहाँ से देख सकते हैं कि हम कौन सा एक्सरसाइज करना है, कैसे कैसे परफॉर्म करना है। वाल के सपोर्ट में रखना है, फिर धीरे धीरे दोनों लेग्स को वाल से छोड़ना है, फिर टच करना है, फिर गैप मेंटेन करना, फिर छोड़ना। इस तरह अपना बैलेंस को हम मेंटेन करेंगे और कंटिन्यू इसको करते रहेंगे। चलते हैं अब सेकेंड डे की ओर। सेकेंड डे क्या करना है, दोनों पैर को ऊपर की ओर ले जाना है अर्थात स्ट्रेट वाल के सपोर्ट में, और अल्टरनेट दोनों लेग्स को वन बाय वन आगे और पीछे करना है। जब दोनों लेग्स हो जाएंगे अल्टरनेट, तो हम बोथ्स लेग मतलब दोनों लेग को हम आगे लाने की कोशिश करेंगे और बैलेंस मेंटेन करेंगे। यदि आपको नेक पेन है तो आप एक्सरसाइज को ना करें, शीर्षासन ना करें। नेक पेन रिलीफ एक्सरसाइज का वीडियो मैंने आई बटन पे दे रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। थर्ड डे हम दोनों लेग्स को स्लाइड करेंगे ऊपर और नीचे, साथ ही साथ बिना वाल के सपोर्ट के हम अपने बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको नेक पेन की समस्या है तो ये एक्सरसाइज परफॉर्म ना करें। नेक पेन रिलीफ एक्सरसाइज का वीडियो मैंने आई लिंक पे दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फोर्थ डे डेफिनेटली आप शीर्षासन अर्थात हेड स्टैंड बिना किसी सपोर्ट के या बिना किसी सहारा के आप इस तरह कर सकते हैं, यदि आप फर्स्ट सेकेंड और थर्ड डे अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आप इस तरह के आप परफॉर्म कर पाओगे, स्टैंड कर पाओगे बिना किसी इसके सपोर्ट के। आपको बैक पेन की समस्या है तो आप एक्सरसाइज को ना करें। आई बटन पे मैंने बैक पेन रिलेटिव एक्सरसाइज का वीडियो दे रखा है, आप वो देख सकते हैं। जैसे भी आपका शीर्षासन ख़त्म हो जाएगा, आप चाइल्ड पोज में कुछ देर रेस्ट करेंगे, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हमारा हेड की ओर होता है और हम थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप इस पोजिशन में रेस्ट कीजिएगा, देन आप खड़े होइएगा। डेली शीर्षासन करने से आपको कभी आँख में चश्मे नहीं लगेगी, हेयर फ्लो की समस्या कभी नहीं होगी, साथ ही साथ आपका स्किन भी ग्लो करेगा और आपका डाइजेशन सिस्टम भी मजबूत हो जाएगा, इसलिए हमें एवरीडे शीर्षासन करना चाहिए। देखिए, आप यदि प्रैक्टिस करते हो तो आप इस तरह का भी स्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू।